हेलो स्टूडेंट्स, एनटीपीसी का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? टाइम बहुत कम है, अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आज से, बल्कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, जो जनरल साइंस में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको टिप पर होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ यानी बोन्स, कितनी बोन्स होती है? ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती है, 206 हड्डियां होती है। क्या आपको पता है किसी न्यू बोर्न बेबी में बोन्स के नंबर्स 305 होते हैं, 305? बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ बोन्स ज्वाइन होती जाती है, तो ऐसे एडल्ट में 206 बोन्स हो जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन्स जो होती है वो होती है स्टेपीज, जो मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा दो और बोन होती है ईयर में, जिनका नाम है मिलियस एंड इनकस। तो ऐसे करके ईयर में तीन बोन्स हो जाती है, मिलियस, इनकस एंड स्टेपीज। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? इसका आंसर है फीमर। फीमर जो बोन होती है वो थाइज में प्रेजेंट होती है और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.25 मीटर के अप्रोक्स होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, बट ये ब्रॉड नहीं होती और इसका एरिया भी कम होता है, इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, वॉट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? इसका आंसर है लीवर। लीवर जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है, ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और ये ग्लैंड बाइल जूस का सिक्रिएशन करती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। विच ऑर्गन हैज़ द ग्रेटेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी? ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है? रीजनरेशन यानी कि किसी भी ऑर्गन के छोटे से छोटा पार्ट उसको कंप्लीट ऑर्गन बनाने में कैपेबल हो, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। इसका भी आंसर लीवर ही है, क्योंकि लीवर में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। नंबर एट्थ, विच ऑर्गन हैज़ द लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी? किस ऑर्गन में सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी होती है? इसका आंसर है ब्रेन। ब्रेन में छोटी से छोटी इंजरी होने के बाद भी उसकी रिपेयरिंग बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए उसकी लीस्ट कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे हार्ड होता है? इसका आंसर है इनेमल ऑफ टीथ। टीथ का जो इनेमल वाला पार्ट होता है, जो उसका अपर मोस्ट लेयर होती है इनेमल की, वो सबसे हार्ड पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड? कौन सी सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है? इसका आंसर है पेरोटिड ग्लैंड, जो दोनों कान के पास में प्रेजेंट होती है और सलाइवा का सिक्रेशन करती है। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कि किसी भी टाइप की कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना कर रहे हो और ना ही सो रहे हो, उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? तो इसका आंसर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है? इसका आंसर है 5.5 लीटर। ह्यूमन बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा क्या होती है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में एवरेज हीमोग्लोबिन 13-16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 11.5-14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज यानी कि 4 मंथ्स का होता है। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और नई आरबीसी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ WBC? WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? WBC का लाइफ स्पेन काफ़ी कम होता है, ये ओनली 2-5 दिनों तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सके। इसका आंसर है ओ नेगेटिव, या फिर अगर ऑप्शन में ओनली ओ हो तो वो भी टिक कर सकते हैं, बट अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव होता है तो उसमें से आपको ओ नेगेटिव ही चूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ किडनी, किडनी का वजन कितना होता है, किडनी का वेट 150 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, इसका आंसर है 1300 से 1400 ग्राम। अब आता है 20th एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, इसका आंसर है 12 पेयर्स, यानी कि 24 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। ये थे जनरल साइंस के, बायोलॉजी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इनको तो आप अच्छे से रट ही लो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।